Hi everyone, hope you all must be doing great. Let's start with MCQ series and today we are starting with the chapter salary. Uske baad hum house property ke MCQs bhi karenge. Isse pehle abhi humne 10 videos mein discuss kiya tha in detail question and answer related to the chapter salary. Aap pe se jis bhi student ne wo videos nahi dekhi hai, they can check the playlist also and I'm giving you the link in this description. So let's start with MCQ related to salary. आप इस वीडियो को आप पॉज करके देखते रहिए, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अपना आंसर और यहाँ पर वीडियो का आंसर चेक कीजिएगा. आई होप यू विल इन्जॉय दिस पर्टिकुलर सीरीज एज वेल, जैसे कि आप पहले की सीरीज को बहुत अच्छे से देख रहे हैं. और प्लीज़ मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, आप आराम से क्लियर करते रहेंगे. क्वेश्चन नंबर वन सेज provision of rent free accommodation and motor car owned by X Limited to its employee Mr. Amit, where motor car is allowed to be used by Mr. Amit both for official and personal purpose is a. यहाँ पर question कह रहा है कि rent free accommodation जो कि employer owned था और motor car जो भी company की थी, ये हम अपने employee को देते हैं तो क्या perquisite taxable होगा या नहीं. And the options are, first, perquisite taxable in case of all employees. Second, perquisite taxable only in case of specified employees. Third, perquisite of rent-free accommodation is taxable in case of all employees. Whereas, perquisite of motor car is taxable only in case of specified employee. D, perquisite of RFA is taxable only in case of specified employee, whereas perquisite of motor car is taxable in case of all employees. यहाँ पर जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है. आई होप यू रिमेंबर दिस. तीन एम्प्लॉयज में से तीन कंडीशन है, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होती है तो एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाता है. फर्स्ट, इफ़ ही इज़ ऑल्सो अ डायरेक्टर ऑफ आर कंपनी, पूरे साल में अगर वो एक भी दिन डायरेक्टर है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता है. सेकेंड, अगर उसके पास सब्सटैंशियल ओनरशिप है हमारी कंपनी की, सब्सटैंशियल ओनरशिप का मतलब होता है 20% और मोर वोटिंग पावर. थर्ड, अगर उसकी सैलरी इनकम 50,000 रुपीज़ को एक्सीड करती है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाता है. ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहाँ पर काम आता है, हम एक ये बात सबसे पहले आप जानते होंगे, सैलरी के सेक्शन होते हैं 15 to 17. मैं थोड़ा समझाने की भी कोशिश करूँगा आपको MCQs के साथ. 15, 16, 17 सैलरी के सेक्शन दोबारा से याद करिए. 15, 16, 17. 15 में सैलरी की चार्जेबिलिटी आती है, 16 में डिडक्शंस विच आर अलाउड, और सेक्शन 17 इज़ अगेन डिवाइडेड इंटू 3. 17 सबसेक्शन 1 मीनिंग ऑफ सैलरी, आई एम रिपीटिंग, 17(1) मीनिंग ऑफ सैलरी, 17(2) इज योर परक्यूजिट्स, 17(3) इज प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी. हम 17(2) की बातें कर रहे हैं, दैट इज परक्यूजिट्स. परक्यूजिट्स अगेन सबसे ज़्यादा अगर आपको याद करना है, देखो 17(2) तक अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है परक्यूजिट्स. और एक चीज़ अगर और याद कर सकते हैं, 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 3, क्लॉज 3 में कुछ 5 परक्यूजिट्स आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथों में ही टैक्सेबल होते हैं. आई एम अगेन रिपीटिंग, प्लीज़ अपनी जो भी आप बुक रेफर कर रहे हैं वहाँ पर प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 3, वहाँ पर लिखा होगा 5 परक्यूजिट्स हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल होते हैं और जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं हैं उनके हाथों में वो टैक्सेबल नहीं होते. उसमें एक आता है मोटर कार फैसिलिटी, दूसरा आता है डोमेस्टिक सर्वेंट की फैसिलिटी. मोटर कार फैसिलिटी, देखो मोटर कार की यहाँ पर बात हुई है, डोमेस्टिक सर्वेंट फैसिलिटी, मैं आगे की तीन नहीं बता रहा हूँ, प्लीज़ आप खुद जाकर अपनी बुक में चेक कीजिए, तब आप और अच्छे से उसको रिटेन कर पाएंगे. ओके, कमिंग बैक, मेरा काम अभी मोटर कार से चल जाएगा. तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मोटर कार की फैसिलिटी 17(2)(3) में कवर्ड है. आई एम अगेन रिपीटिंग, 17(2)(3) में कवर्ड है और 17(2)(3) इज़ ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉई. मोटर कार तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल होता है और बाकी के जो 17(2)(3) के अलावा जितने भी परक्यूजिट्स हैं वो सभी एम्प्लॉयज़ के हाथों में टैक्सेबल होते हैं.
जैसे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन, अगर मैं और डिटेल में बातें करूँगा तो रेंट फ्री अकोमोडेशन आता है 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज आई में, यानी कि क्लॉज 1 में, बट आपको इतनी डिटेल में याद नहीं रखना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 17(2)(3) के वो 5 परक्यूजेड याद कर लीजिए कि बॉस ये 5 परक्यूजेड तो 17(2)(3) के हैं जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल होंगे। इसके अलावा जितने भी परक्यूजेड्स हैं, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द नंबर्स, इतने ज़्यादा सेक्शन तो आप डिटेल में याद ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स का सैलरी चैप्टर ही नहीं है, बाकी चैप्टर्स भी हैं और आपके बाकी के सब्जेक्ट्स भी हैं, तो शायद आप इतनी डिटेल में याद नहीं रख पाएंगे एग्जाम्स तक। तो आप एटलीस्ट 17(2)(3) तो याद रखिए, 17(2)(3) के। अगर आपको बाकी के याद हो जाते हैं दिस इज़ वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात होगी, बट स्टिल मैं एक एवरेज स्टूडेंट के बारे में बातें कर रहा हूँ कि अगर याद ना हो तो भी आप सिर्फ 17(2)(3) के परक्यूजेट्स याद रखिएगा। तो अब हमें पता चल गया कि मोटर कार तो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल होती है, रेंट फ्री अकोमोडेशन 17(2)(3) में नहीं आता, वो सभी के हाथों में टैक्सेबल होगा। सो हेयर द आंसर विल बी सी, सी आंसर होगा, परक्यूजेट ऑफ आरएफए इज टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, ये ऑल एम्प्लॉयज के हाथों में टैक्सेबल है, वेयर एज परक्यूजेट ऑफ मोटर कार इज टैक्सेबल ओनली इन केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, मोटर कार स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथों में ही टैक्सेबल होता है। 17(2)(3) में आते हैं, फर्स्ट मोटर कार की फैसिलिटी, डोमेस्टिक सर्वेंट की फैसिलिटी, गार्डनर स्वीपर वॉचमैन, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल की फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये 5 परक्यूजेट्स हैं। पर प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप अपनी बुक खोलिए और देखिए 17(2)(3) में परक्यूजेट्स कौन कौन से आते हैं, और बहुत अच्छा होगा अगर आप इनको एक दो बार लिख कर भी याद कर लेंगे तो। ठीक है, आगे शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज एंटाइटल टू सैलरी। आपको पता है एमपीज और एमएलएस को सैलरी मिलती है, ओके, और क्या मिलता है उसके अलावा, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस एंड डेली अलाउंस व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन, जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है उनको ये अलाउंसेस मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सबसे पहले मैं ऑप्शंस रीड कर रहा हूँ। फर्स्ट, हिज एंटायर इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, ओनली हिज सैलरी कंपोनेंट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस एंड डेली अलाउंस आर एग्जेम्प्ट, ओके। सी पॉइंट सेज ओनली हिज सैलरी कंपोनेंट इज टैक्सेबल एज IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस एंड डेली अलाउंस आर एग्जेम्प्ट, ओके। लास्ट इज हिज सैलरी कंपोनेंट एंड कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस इज टैक्सेबल अंडर द हेड IFOS, डेली अलाउंस इज एग्जेम्प्ट। फिर यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और एक मिनट के लिए सोचिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। नाउ यू नो कि अगर MPs और MLA ये एम्प्लॉय नहीं होते, सेक्शन 15 ऑफ सैलरी ये बात बहुत अच्छे से कहता है कि देयर मस्ट बी एन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप इफ यू वॉन्ट टू टैक्स द इनकम अंडर द हेड सैलरी। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप होना चाहिए। MP और MLA सरकारी नौकर नहीं होते, ये तो जनता के नौकर होते हैं। सरकारी नौकर कौन होते हैं, पुलिस ऑफिसर जिसकी सरकारी नौकरी लगती है, गवर्नमेंट स्कूल है, प्रिंसिपल वहाँ के टीचर्स वो हैं सरकारी नौकर, उनकी सरकारी नौकरी लगती है, दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बट MP और MLA गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते, ये कोई एग्ज़ाम क्लियर थोड़ी करते हैं, ये तो सिर्फ इलेक्शन में जीतते हैं और MP और MLA बन जाते हैं। सो देयर इज़ नो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। ऑल्दो इनको कुछ अमाउंट पर मंथ मिलता है, वी कॉल इट सैलरी, बट देयर इज़ नो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एंड हेंस दिस इज़ नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, ये सैलरी में टैक्सेबल नहीं होता। और मैं बता दूँ आपको, दिस इज़ टैक्सेबल अंडर IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इनको जो पैसे मिलते हैं दैट इज़ टैक्सेबल अंडर IFOS, बट सिर्फ इनकी बेसिक सैलरी ही टैक्सेबल होती है IFOS में, बाकी इनको जितने भी अलाउंसेज मिलते हैं और परक्यूजेट्स मिलते हैं दे आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। इनको सैलरी के अलावा अलाउंसेज और परक्यूजेट सभी एग्जेम्प्ट हैं। सो द आंसर विल बी हेयर अगेन सी,
only his salary component is taxable under IFOS. Constituency allowance and daily allowance will be exempt. So answer C hai yahan par. Chaliye apna third question ki taraf badhte hain and it says Manu receives. देखिए इसको सेशन को आपको इंटरैक्टिव बनाना होगा. आप पॉज कीजिए, आप पॉज कीजिए, आंसर को खुद देखिए कि क्या होना चाहिए, तभी ये वीडियोस काफ़ी यूजफुल आपके लिए हो पाएंगी. मनु रिसीव्स ₹30,000 पर मंथ एज बेसिक सैलरी फ्रॉम ABC लिमिटेड. चलिए 30,000 पर मंथ इनको बेसिक सैलरी मिलती है. ही इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड DNS अलाउंस 15,000 पर मंथ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट. ओके DA मिला. He has been provided free electricity facility for which the actual cost of the employer is 58,000. इनको electricity की facility भी मिलती है. देखो electricity अभी हमने करा था 17(2)(3) में आता है और वैसे भी ये तो specified employee होगा. पर मंथ की बेसिक ही देख लीजिए ₹30,000 महीना है, पूरे साल की तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी. 3,60,000 बेसिक और बाकी चीज़ें और भी हैं. और हम लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के बारे में एक थर्ड वादी बात अच्छे से जानते हैं, 50,000 से जैसे ज़्यादा हुआ वो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बना दीजिएगा. तो ही हैज़ प्रोवाइडेड फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर विच द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर इज 58,000. द एम्प्लॉयर हैज़ रिकवर्ड 8,000 फ्रॉम मनु ऑन अकाउंट ऑफ सच फैसिलिटी. द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी परक्यूजिट विल बी. देखो ऊपर बेसिक सैलरी दी गई है, DNS अलाउंस दिया है, उसका कुछ काम नहीं है. आपको सिर्फ बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी का परक्यूजिट कितना बनेगा. तो इलेक्ट्रिसिटी का परक्यूजिट कितना बनेगा बहुत आसान है. जितनी भी कॉस्ट आ रही है एम्प्लॉयर की वो देख लीजिए और अगर कुछ रिकवरी है तो वो माइनस करिए. तो 58,000 इज़ द कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर और 8,000 की यहाँ पर रिकवरी है, तो ₹50,000 आपकी परक्यूजिट वैल्यू हो जाएगी. ऑप्शन देखने की ज़रूरत, चलो देख लेते हैं एक बार. ABCD एंड द आंसर इज सी. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. सॉरी मैंने थोड़ा सा जल्दी बता दिया कि वाला ऑप्शन आपको खुद करना था. चलिए आगे से आप इसको कीजिएगा. ओके कमिंग टू पॉइंट नंबर 4. एक्स आर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई रिसीव्स ₹800 पर मंथ एज एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 18-19. His basic salary is 4,000 per month up to 31st July 2018 and 4,500 thereafter. He is in his present employment from 1st January 1992. बहुत पहले से ये काम कर रहे हैं. Entertainment allowance chargeable to taxes. सिर्फ पूछा entertainment allowance कितना taxable होगा. And the options are 9,600, B is 4,600, C 6,000 and D is none of the above. जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और बताइए कितना टैक्सेबल होगा. हम एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में जानते हैं, सेक्शन 16 डिडक्शंस में आता है. पर दूसरी बात याद कीजिए, एंटरटेनमेंट अलाउंस एग्जेम्प्ट होता है अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट. तीन लिमिट है, मैं फिर नहीं बता रहा हूँ, आप लोग चेक कीजिएगा, अपनी बुक में चेक कीजिए, एक बार लिख कर उसको याद भी कीजिएगा. एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना एग्जेम्प्ट होता है, बट इतनी बात आपको याद होनी चाहिए कि एंटरटेनमेंट अलाउंस अगर एग्जेम्प्ट होता भी है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ही होता है. आई एम रिपीटिंग, एंटरटेनमेंट अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट बट ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. हियर मिस्टर एक्स इज़ अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो कितना एग्जेम्प्ट होगा? ज़ीरो. एग्जेम्प्ट तो कुछ भी नहीं होगा, इसका मतलब पूरा टैक्सेबल होने वाला है. And the per month amount which he is receiving as entertainment allowances 800 per month, 800 × 12, 9600 को पूरा taxable कर दीजिएगा. Okay, come to question number 5 which says Prakash obtained interest free loan of ₹20,000 from his employer company for purchasing a two wheeler. इनको एक scooter या bike खरीदनी थी and he has taken a loan of ₹20,000. The market rate of interest on such loan is 20% per annum. अगर किसी और के पास जाते तो market में rate चल रहा है 20% per annum. The lending rate of SBI is 12.5%. SBI 12.5% rate लगाता है and private sector bank 16% rate लगाते हैं. Okay, तीनों के rates दे रखे हैं. Market में जाते तो 20% per annum का rate होता है, SBI से 12.5% है, other private bank से 16% per annum का rate है. The taxable amount of perquisite will be computed at the rate of. कितना perquisite बनाएंगे? A 20%, 16%, 12.5% या nil rate.
अगेन पॉज और जल्दी से बताइए कितना परक्यूजिट बनेगा। यहाँ पर हम बातें दो बातें जानते हैं, दो तरीके से अगर लोन लिया जाए तो वो इंटरेस्ट का परक्यूजिट नहीं बनता है, जितनी भी आपको फ़ायदा हो रहा है वो परक्यूजिट नहीं बनता है। फर्स्ट, अगर वो पेटी लोन हो, पेटी लोन मतलब स्मॉल लोन, स्मॉल लोन की क्या डेफिनेशन है, 20,000 रुपीज़ तक, अगर 20,000 रुपीज़ तक लोन हो तो वो एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पर 20,000 तक का लोन है तो दिस विल बी नॉट बी टैक्सेबल, पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, द आंसर विल बी डी, नल रेट। मैं एक और बता देता हूँ, अगर एम्प्लॉई लोन लेता है फॉर प्रिस्क्राइब डिजीज़ लाइक ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, HIV एट्सेट्रा, प्रिस्क्राइब डिजीज़, आप लोग सिर्फ प्रिस्क्राइब डिजीज़ याद रखिए, प्रिस्क्राइब डिजीज़ के लिए अगर लोन लिया जाए तो दैट इज़ अगेन एग्जेम्प्ट। दो तरह के लोन एग्जेम्प्ट होते हैं, वन इज़ उसके ऊपर का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है जो आप इंटरेस्ट सेव करते हैं, वन इज़ पेटी लोन नॉट मोर देन 20,000, एंड सेकेंड इज़ योर प्रिस्क्राइब डिजीज़ के लिए अगर लोन लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर जेड इज़ अ मैनेजर ऑफ एफ लिमिटेड, हिज सन इज़ अ स्टूडेंट ऑफ MIT इंटरनेशनल स्कूल, स्कूल फीस 4,000 पर मंथ, हॉस्टल फीस 3,000 पर मंथ, डायरेक्टली पेड बाय जेड लिमिटेड, स्कूल की फीस और हॉस्टल की फीस जेड लिमिटेड पे कर रहा है, दिस इज एजुकेशन, बट इट रिकवर्स फ्रॉम जेड ओनली 30% रिकवरी भी होती है। जेड ऑल्सो जॉइंस एन एडवांस कोर्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट फॉर 4 months एट IIM अहमदाबाद, फीस ऑफ द कोर्स इज 2,50,000 इज पेड बाय द कंपनी, डिटरमाइन द परक्यूजेड वैल्यू ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी। ओके, दो लोगों को एजुकेशन दी जा रही है, मिस्टर जेड एम्प्लॉय को और उनके बेटे को। ऑप्शन है आपके, कितनी परक्यूजेड वैल्यू टैक्सेबल होगी, 48,000, बी 58,800, सी 46,800, नन ऑफ दीज। पॉज द वीडियो और जल्दी से कीजिए, बताइए कितना होगा। ओके, हम एजुकेशन फैसिलिटी के बारे में जानते हैं, अगर एम्प्लॉय को दी जाए कोई भी फैसिलिटी एम्प्लॉय को दी जाए तो दैट इज एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पर 2,50,000 रुपीज़ एम्प्लॉय को दी जा रही है, दैट वुड बी एग्जेम्प्ट। उनके बच्चों को दी जाए तो एग्जेम्प्ट होती है अगर उसकी कॉस्ट 1,000 रुपीज़ से एक्सीड नहीं करती, बट यहाँ पर 1,000 से एक्सीड कर रही है, कितना है, 4,000 प्लस हॉस्टल का 3,000, सो 7,000 पर मंथ वुड बी फुली टैक्सेबल, 7,000 पर मंथ वुड बी फुली टैक्सेबल। अगर कुछ रिकवरी हो रही है तो वो माइनस कर सकते हैं, तो 7,000 × 12 दैट मेक्स 84,000, रिकवरी उसमें से 30% हो रही है, 30% उसमें से माइनस कीजिए और बाकी का बच्चा 58,800 वुड बी टैक्सेबल। सो हेयर द योर आंसर विल बी बी 58,800। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, इट सेज ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर अनिल रिसीव्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर हिज 3 children, एजुकेशन अलाउंस फॉर हिज 3 children, सम ऑफ 300 पर मंथ टूवर्ड्स एजुकेशन एंड हॉस्टल एक्सपेंडिचर। ओके, ऑल द चिल्ड्रन आर स्टेइंग इन अ हॉस्टल, द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ द अलाउंस रिसीव्ड बाय मिस्टर अनिल इज ए 1,200, बी 3,600, सी 4,800 एंड डी 6,000। जल्दी से बताइएगा कितना टैक्सेबल आप करेंगे, 3 बच्चों के लिए दिया जा रहा है 300 रुपीज़ एजुकेशन प्लस हॉस्टल अलाउंस। ओके, सो दिस इज़ क्वाइट ईजी, आपको पता है कि अगर एजुकेशन अलाउंस दिया जाता है या हॉस्टल अलाउंस दिया जाता है दैट इज़ एग्जेम्प्ट ओनली अप टू 2 children, 2 बच्चों तक एग्जेम्प्ट होता है। एजुकेशन अलाउंस कितना, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड और अप टू 2 children। सेकेंड, हॉस्टल अलाउंस कितना, 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 children। तो फर्स्ट चाइल्ड को 300 रुपये मिल रहे हैं वो पूरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, सेकेंड चाइल्ड को 300 रुपये मिल रहे हैं अगेन पूरे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, बट थर्ड चाइल्ड के लिए एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो थर्ड चाइल्ड के पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, 300 × 12 3,600, द आंसर विल बी बी 3,600। क्वेश्चन, दिस वॉज क्वाइट ईजी, 8th क्वेश्चन करते हैं, एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स अ कार बिलो 1.6 liter CC कैपेसिटी इंजन, यानी कि छोटी गाड़ी है, अलॉन्ग विद अ ड्राइवर टू एक्स, पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पसेज, द एक्सपेंसिस इनकर्ड बाई द कंपनी आर रनिंग एंड मेंटेनेंस 32,000 रुपीज, ड्राइवर सैलरी 36,000, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इज। यहाँ पर फिर आप जानते हैं मोटर कार फैसिलिटी है, कंपनी ओन्ड है, पार्टली पर्सनल पार्टली यूज अगर होती है तो, अच्छा पहले मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, ए इज 21,600, 10,800, 32,400, 39,600, पॉज कीजिए जल्दी से बताइए।
ओके तो मैं कह रहा था कि मोटर कार फैसिलिटी है, पार्टली टैक्स पार्टली यूज होती है, इसके लिए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ परक्यूजिट है. इफ़ इट इज़ अ स्मॉल कार 1800 पर मंथ, इफ़ इट इज़ अ बिग कार अबव 1.6 लीटर सीसी इंजन तो 2400 पर मंथ, ड्राइवर है तो 900 अलग से ऐड कर देते हैं. तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ी गाड़ी है नहीं, इट इज़ नॉट मोर देन 1.6 लीटर सीसी, तो 1800 प्लस 900 तो आप 2700 इंटू 12 टैक्सेबल कर दीजिएगा, दैट विल बी योर ऑप्शन सी 32400. क्वेश्चन नंबर 9, इट सेज इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु गेट्स अ पार्ट ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड, पार्ट ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड एंड डज नॉट रिसीव ग्रेच्युटी, एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स इज अवेलेबल फॉर. ऑप्शंस आर 50% ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, बी 50% ऑफ कम्यूटेड पेंशन रिसीव बाय हिम, 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन विच ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, नो एग्जम्पशन इज अवेलेबल. पॉज कीजिए, जल्दी से बताइए. इट इज़ एन ईजी थियोरेटिकल क्वेश्चन. प्लीज़ बताइए पेंशन के बारे में, कम्यूटेड पेंशन कितनी टैक्सेबल होती है. ओके, वी नो दैट इफ ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते तो पूरी कम्यूटेड पेंशन एग्जम्प्ट हो जाती है. बट इन केस इफ ही इज़ अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो देखते हैं कि क्या इनको ग्रेच्युटी मिल रही है या नहीं मिल रही है. अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो 1/2 मतलब 50% 1/2 ऑफ द पेंशन विच ही वुड हैव बीन कम्यूटेड एंटायरली, अगर ये पूरी की पूरी पेंशन कम्प्यूट करा लेते तो इनका उसका 1/2% 1/2 मतलब हाँ 50% एग्जम्प्ट हो जाता है. सो हेयर द आंसर विल बी ए, 50% ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव. बेटा ए और बी में क्या डिफरेंस है? ए बोल रहा है 50% ऑफ कम्यूटेड पेंशन ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, यही फार्मूला है एक्चुअली. सेकेंड में क्या लिखा हुआ है? 50% ऑफ कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय हिम, जितनी कम्यूट हुई है उसका 1/2 उसका 50%. नो, द आंसर इज कि जितना रिसीव होना चाहिए था अगर ये पूरी कम्यूट करा लेते उसका 1/2 उसका 50%. सो हेयर द आंसर इज ए. सो इट वॉज क्वाइट ईजी. एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे इज, when a motor car is owned by the employee and expenses are met by him, when the motor car is owned by the employee, employee ki car hai, expenses bhi employee meet out kar raha hai, the perquisite is, again thoda sa tricky question hai, easy question hai, taxable in hands of specified employee, taxable in hands of all employees, not taxable, taxable in case of non-specified employee. बेटा मोटर कार होते ही आप ये मत बोल देना कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा. वहाँ पर क्या कह रहा है कि मोटर कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की कार, एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉय उठा रहा है. तो किस बात का परक्यूजिट? हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, हमारी गाड़ी खर्चा भी हम ही कर रहे हैं, तो देयर इज नो परक्यूजिट, नॉट टैक्सेबल. द आंसर इज सी, दिस वुड बी नॉट टैक्सेबल. सो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे. प्रैक्टिस करते रहिए, कीप हसलिंग, और आप जल्दी से क्लियर कर लीजिए अपने एग्जामिनेशंस. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सैलरी के बारे में हमने काफ़ी कुछ किया पिछले कुछ दिनों में, पिछले एक हफ्ते में. हमने 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए आंसर्स के साथ, सॉल्यूशन के साथ. जिन लोगों में दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जिन लोगों ने वो नहीं देखा है, प्लीज़ जाकर उसको कंप्लीट कीजिए 10 क्वेश्चंस को. उसके अलावा और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, बट दीज 10 क्वेश्चंस आर क्वाइट कॉम्प्रीहेंसिव, आपके सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाते हैं. दूसरा, MCQs करते रहिए, ये 10 MCQs हैं. मैं अब हाउस प्रॉपर्टी शुरू कर रहा हूँ, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस और फिर उसके MCQs. उसके बाद ये साइकिल ख़त्म होने के बाद, सभी चैप्टर्स डिस्कस करने के बाद, देन GST, उसके बाद अगर हमें टाइम मिलेगा तो एक बार दोबारा से साइकिलिंग करेंगे ये पूरी की पूरी, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. सो कीप लर्निंग, और आप जल्दी से पास हो जाएंगे. थैंक यू सो मच.